जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जायका देश देश में आज बारी है हमारी एक मीठी चीज़ की, आलमंड ट्यूली हम बना रहे हैं। आलमंड ट्यूली और आज ये समझ लें एक मीठा है, डिज़र्ट समझ लें। आलमंड ट्यूली कुकीज़ की तरह के होते हैं। इसकी रेसिपीज आप इंग्रेडिएंट्स घबरा के एहतियात से नोट कर लीजिए। शुगर हमने लिया है तकरीबन कास्टर्ड शुगर होनी चाहिए, ये एक कप शुगर है। उसमें 120 ग्राम हमने मक्खन इसमें मेल्ट किया है, सामने आपके पड़ा है। 4 खाने के चम्मच इसमें हम मैदा डालेंगे और बादाम थोड़े से हम इसमें ब्लंच करके इसके छिलके उतार के इसे हम डालेंगे इसके ऊपर बादाम, और उसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। 4 अंडे की सफ़ेदी लेनी है, और इसमें हमने थोड़ा सा आइसिंग वनीला एसेंस भी डालना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेक श्योर कीजिए आपका बॉल जो है साफ़ होना चाहिए, क्लीन नीट, पानी नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल भी खुश्क होना चाहिए। इसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं, इसमें एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, ठीक है जी। इसे अब हम थोड़ा सा बीट करेंगे, फ्लॉफी सा करेंगे, थोड़ा सा पीक साइज में आ जाए, फिर हम इसमें शुगर डालेंगे। देखें ये बिल्कुल बन गया ऐसे जैसे हम स्पंज के लिए करते हैं, तो इसको भी वैसे ही करना है। अब इसमें हमने शुगर डाल देनी है, ऐड कर देनी है, और इसे हमने अच्छी तरीके से बीट करना है कि ऐसा हो जैसे कि ये आपका हम शुगर इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। कोशिश कीजिए अगर बारीक शुगर लें तो वो ज़्यादा अच्छी है, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है बारीक शुगर। अच्छे तरीके से हम इसे बीट करेंगे। आलमंड ट्यूली इसे कहते हैं, आलमंड ट्यूली, और समझिए ट्यूलिप शेप टाइप की ही ये होती है। उसे हम बनाएंगे, इसको रोल करेंगे, इसका सामने शुगर इसके अंदर थोड़ी डिसॉल्व हो जाए, फिर हम इसका आपको बना के दिखाएंगे। ये बस इसे हमने थोड़ा सा और करना है कि ये शुगर इसकी डिसॉल्व हो जाए। मेरी शुगर जो थी ये ज़रा मोटी थी, तो इसलिए डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो फिर इसमें इसलिए मैं चाहता हूँ ये डिसॉल्व हो जाए इसी तरीके से। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो गया जैसे कि मैरिंग है, मैरिंग के स्ट्रक्चर की तरह ये बिल्कुल हो गया। चलें जी, ये हम इसको बंद कर देंगे, इसको हम बंद कर देगा, फिर हम इसके में मैदा ऐड करेगा, ठीक है जी। मैदा डाल के इसे हमने ऐसे स्पून से ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है जी, मिक्स करना है स्पून से। मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो मेल्ट बटर है 120 ग्राम है, मेल्ट बटर 120 ग्राम मेल्ट बटर इसमें हमने ऐड कर देना है,
ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना। ये इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। मैदा इसमें हमने जो डाला है, इसके 4 टेबलस्पून इसमें मैदा डाला है, ये नोट कर लीजिएगा। 1 कप शुगर है, 4 अंडे की सफ़ेदी है, और इसमें 4 खाने के चम्मच जो हैं मैदे के हैं, और ये यहाँ पर आप इसको, अब ये मिक्स हो गया, इसे अब हम जल्दी से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, जस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है वनीला एसेंस की। कहते जब इंसान थोड़ा स्ट्रेस फील करे तो किसी खुशबूदार चीज़ को सूंघा जाए, स्ट्रेस उससे दूर होता है। याल्ला ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन लेना है। एक ब्रश था मेरे पास, यहाँ पड़ा है ये मक्खन, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा है, इसको मैंने यहाँ ऐसे ग्रेस कर लेना ट्रे, ओवन ट्रे को। अब इसका काम जो है ओवन का काम है। हम यहां पर इसे जरा ये लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक हम ले लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं इसके साथ।